हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक बार यूज़र ने कार्ट बिल्ड कर ली, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दी और उसके बाद चेकआउट कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो उसके बाद हमारा ऑर्डर हमारे डेटाबेस में आना चाहिए एंड एट द सेम टाइम यूज़र को हमें एक इंटीमेशन देना चाहिए कि भाई यूज़र, तुम्हारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो चुका है, तुम निश्चिंत होकर बैठो और हम तुम्हारे ऑर्डर को फुलफिल करेंगे। ये सारे काम हम लोग अपने एंड पे कैसे करेंगे, कोड के अंदर कैसे लिखेंगे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से एक ऑर्डर की एंट्री को डेटाबेस में पंच करेंगे और उसके बाद किस तरह से उसको अपडेट करेंगे ताकि जब भी यूज़र पेमेंट कर दे तो हम उस ऑर्डर को मार्क कर दें एज पेड और यूज़र को बता देंगे निश्चिंत रहो तुम्हारे ऑर्डर को फुलफिल किया जा रहा है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं यार्न डेव लिखे बैठा हूँ और यहाँ पर अब हम लोग काम क्या करने वाले हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला काम जो हम लोग करने वाले हैं वो ये है कि थोड़ा बहुत क्लीन अप करेंगे यार, क्योंकि यार देखो हमने बहुत सारे कंसोल लॉग्स डाल दिए हैं, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है? तो कंसोल लॉग बहुत डाले हुए हैं हमने, तो इन सारे कंसोल लॉग्स को कमेंट आउट करेंगे, ठीक है? लगो नहीं लॉग, ठीक है? और तो कहीं मैंने पोस्ट ट्रांजैक्शन वगैरह में तो कंसोल लॉग नहीं डाला है ना? नहीं, मैंने नहीं डाला है। चेकआउट में तो ज़रूर डाला होगा, कहीं ना कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कंसोल डॉट लॉग काफ़ी जगह डाला है, ठीक है? तो इन तीनों को मैं रहने दूंगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि ये एरर दिखे और ये इनिट हटाऊंगा यहाँ से। ये इनिट मुझे नहीं चाहिए, मैंने जस्ट चेक करने के लिए रखा था कि चीज़ें काम भी कर रही हैं ठीक से कि नहीं कर रही हैं। ये वाला कंसोल लॉग भी रहने देता हूँ और ये ट्रांजैक्शन जो हमारा रिस्पॉन्स था वो भी मैं हटा दूंगा, तीन चार, अभी कुल चार कंसोल लॉग्स हैं, ठीक है यार? हमने कंसोल लॉग्स यहाँ से हटा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जो मेरा ऑर्डर्स वाला ये जो ऑर्डर डॉट जे एस मॉडल है इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी लिखा हुआ है, इस यूज़र आईडी को चेंज करके मैं ईमेल कर दूंगा क्योंकि मेरा यूज़र यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ईमेल के द्वारा, ठीक है? ये रिक्वायर्ड ट्रू है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसी के साथ साथ अगर मैं नीचे आऊँ तो आप लोग देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, एड्रेस है, अमाउंट है, स्टेटस है, मैंने ईमेल ऐड कर दिया, कोई और चीज़ अगर ऐड करने लायक होगी तो उसको मैं ऐड करूँगा और मैं यहाँ पर भी यही वाला फॉर्मेट यूज़ करूँगा जो कि मैंने आप लोग को बताया कि हम कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर करूँगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट, और अब मुझे ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आई होप कि मैंने सारी की सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और करूँगा जो कि मैंने लॉगिन के टाइम पर नहीं करी थी और वो क्या थी मालूम है? वो थी कि जो मेरा सीक्रेट है, जो मेरा JWT सीक्रेट है और जो मेरा ये वाला AES इनक्रिप्शन का सीक्रेट है, इन दोनों सीक्रेट्स को मैंने अपने .env.local में नहीं डाला, ऐसे ही एक्सपोज किया हुआ है। तो मैं इन दोनों को भी चेंज भी करूँगा और उसी के साथ साथ मैं इनको अपनी .env.local में भी डालूंगा। चेंज क्यों करूँगा? अब आपको यार चेंज क्यों कर रहे हो, चेंज मत करो। नहीं यार चेंज करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा चेंज। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मैं नहीं चाहता कोई देखे मेरा सीक्रेट, सीक्रेट सीक्रेट ही रखना चाहिए, ठीक है? गंदी बात। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब यहाँ पर सीक्रेट 1 2 3 जहाँ जहाँ है मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके चेंज ऑल अकरेंसेस करूँगा और मैं इसको क्या करूँगा, सिर्फ एक ही अकरेंस है शायद इसकी, मैं सीक्रेट 1 2 3 को चेंज करके कंट्रोल एफ करूँगा यहाँ पर, सीक्रेट 1 2 3 को चेंज करके प्रोसेस डॉट एन डॉट AES अंडरस्कोर सीक्रेट करूँगा, ठीक है? और एक मैं बनाऊँगा JWT सीक्रेट, ठीक है? तो यहाँ पर ये है हमारी API, ठीक है? इसको मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा और उसी के साथ साथ साइनअप के टाइम पर भी शायद मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, साइनअप के टाइम पर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको सीक्रेट 1 2 3 को। तो जहाँ जहाँ सीक्रेट 1 2 3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं डबल कोट्स, कहीं डबल कोट कहीं सिंगल कोट यूज़ किया है मैंने, यहाँ भी AES सीक्रेट कर दूंगा। और क्या लॉगिन साइनअप के अलावा फॉरगॉट में भी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ? नॉट श्योर यार, लॉगिन साइनअप फॉरगॉट नहीं, और कहीं मैं शायद यूज़ कर नहीं रहा हूँ इसको। हमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं देखता हूँ और कहीं, यहाँ लॉगिन में तो यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो सीक्रेट की बात की जाए तो यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, साइनअप में यूज़ कर रहा हूँ क्या कहीं पर, फॉरगॉट में भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीक्रेट नहीं कर रहा हूँ यूज़, और साइनअप में कर रहा हूँ, नहीं साइनअप में भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। फिर इसके बाद मैं JWT सीक्रेट यूज़ ज़रूर कर रहा हूँ लेकिन, तो मैं यहाँ पर JWT लिखूँगा और यहाँ पर इसको JWT सीक्रेट कर दूँगा इस बार, जहाँ पर भी मैं यूज़ कर रहा हूँगा, ठीक है? तो लॉगिन API में मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखो मेरा JWT सीक्रेट है, ठीक है? तो मैं इसको इस तरह से कर दूँगा
और यहाँ पर मैंने लॉग इन में JWT सीक्रेट किया हुआ है, और उसी के साथ साथ और कहीं किया है क्या JWT सीक्रेट इस्तेमाल? शायद नहीं किया है। ये कंसोल लॉग हटा दूंगा यार, कंसोल लॉग में पता नहीं क्यों यूज़ कर रहे इतने सारे कंसोल लॉग्स, मैं सारे हटा दूंगा। ठीक है, देखो रिक्वेस्ट और बॉडी मैंने कंसोल लॉग कर रखा है, कंसोल लॉग ये भी मैं हटाऊंगा यार, ये भी नहीं दिखाना है। ठीक है, अब मुझे दो चीज़ें पॉपुलेट करनी है अपनी env.local फाइल में, एक AES सीक्रेट, एक JWT सीक्रेट, दोनों करके वापस आता हूँ। तो यार मैंने दोनों ही डाल दिए यहाँ पर अपने .env.local में। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि yarndev दोबारा से लिखूँगा, क्योंकि मुझे सर्वर भी रीस्टार्ट करना पड़ता है यार। ठीक है, अगर आप लोगों ने यार Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक तो ज़रूर कर लेना, मैं खोल लेता हूँ इसको, मैंने अभी तक खोला नहीं है अपना जो मेरा सर्वर है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे के सारे काम हो रहे हैं। आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो जब एक बार पेमेंट पूरा हो जाता है, यानी कि जब कोई भी इंसान चेकआउट कर देता है, चेकआउट करने के बाद पेमेंट पूरा कर देता है पेपर क्लिक करने के बाद, पहली चीज़ तो ये यार कि वो पेमेंट कर ही ना पाए, अगर वो ये सारी डिटेल्स नहीं भर रहा है तो वो ये नहीं भर पाए। ठीक है, पेमेंट नहीं कर पाए सॉरी। तो मैं क्या करूँगा इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, जो मेरा पेमेंट बटन है उसको डिसेबल कर दूंगा। तो यहाँ पर आता हूँ मैं और इसको डिसेबल कर दूंगा। तो करना, तो किसी भी बटन को डिसेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसा करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा काम मैं करूँगा यहाँ पर, और वो ये है कि यहाँ पर ये जो बटन है मेरा चेकआउट का, इसको मैं कर दूंगा डिसेबल्ड इज इक्वल टू, अभी के लिए ट्रू कर रहा हूँ मैं, अभी इसको ठीक करूँगा। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए इसको डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू किया है। मैं ज़रा वर्ड रैप और स्क्रीन कास्ट मोड को ऑन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो मैंने डिसेबल ट्रू कर दिया। अब मैं एक इसमें क्लास लगाऊंगा कि यार अगर ना डिसेबल्ड हो तब क्या करो, bg पिंग कर दो इसको 300। ठीक है, ताकि ये दिखे यार डिसेबल्ड है, देखो ये डिसेबल्ड है अभी। ठीक है, तो इसको मैं डिसेबल्ड ही रखना चाहता हूँ अभी के लिए, और मैं इसको इनेबल तब करूँगा, इसको फॉल्स में तब करूँगा जब सारी फील्ड्स फिल कर दी जाएंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं लिखता हूँ डिसेबल्ड इज इक्वल टू, और मैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ जब फिल हो जाएंगी तब मैं इस डिसेबल्ड को ट्रू करूँगा। ठीक है, फॉल्स करूँगा सॉरी। तो मैं काम करता हूँ, ये इनिशिएट पेमेंट यहाँ पर सब कुछ आ गया। आप कुछ स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके। सबसे पहले तो नेम, जो कि मुझे चाहिए, जो कि ब्लैंक होने वाला है अभी के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेम है, फिर ईमेल है, फिर यहाँ पर यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके मैं ईमेल लिखूँगा। ठीक है, वो भी ब्लैंक। ठीक है, इसके बाद यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके ईमेल के बाद आ गया हमारा फ़ोन। ठीक है, ये भी ब्लैंक रहेगा इनिशियली। ठीक है, और इसके बाद आएगा पिन कोड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके पिन कोड। ठीक है, पिन कोड। ठीक है, और ये भी मैं ब्लैंक रख दूँगा। ठीक है, तो ये कह रहा है यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो मुझे इम्पोर्ट रिएक्ट और यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि नेम आ गया, ईमेल आ गया, अब मुझे फ़ोन और पिन के साथ साथ एड्रेस भी लेना है। ठीक है, फ़ोन ले लिया मैंने, पिन ले लिया, एड्रेस भी लेना है, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा एड्रेस। ठीक है, और ये भी ब्लैंक रखूँगा इनिशियली। ठीक है, और सेम चीज़ करूँगा यहाँ पर, एक हैंडल चेंज फंक्शन बनाऊँगा, हैंडल चेंज इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, जो कि अगर अगर ये होगा नेम तब करो, तो मैं करूँगा सेट नेम e.target.value, और यहाँ पर मैं e कर दूँगा, और सेम चीज़ मैं elsif में लिखूँगा e.target.email के लिए, ईमेल के लिए लिखूँगा, फिर सेम चीज़ मैं लिखूँगा फ़ोन एड्रेस और पिन कोड के लिए, फ़ोन एड्रेस पिन कोड के लिए। तो मैं यहाँ पर फ़ोन लिखूँगा, फिर यहाँ पर मैं एड्रेस लिखूँगा, और यहाँ पर मैं पिन कोड लिखूँगा। ठीक है, पिन कोड, और यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर सेट ईमेल आएगा, यहाँ पर सेट फ़ोन आएगा, यहाँ पर सेट एड्रेस आएगा। कहाँ गया एड्रेस, ये एड्रेस की स्पेलिंग गलत कर दी यार मैंने, एड्रेस की स्पेलिंग, वाह। और यहाँ पर सेट पिन कोड आएगा। ठीक है, सेव करते हैं इस चीज़ को, और हैंडल चेंज भी बन गया। अब मैं यहाँ पर सीधे नीचे आऊँगा, और जहाँ पर ये लिखा हुआ ना, मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं, सॉरी यहाँ पर इस तरह से वैल्यू नहीं करूँगा मैं,
मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या वर्ड रैप ऑन नहीं हुआ, एक ऐसा मजाक चल रहा है, वर्ड रैप अब ऑन हो गया। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर कर दूँगा एड्रेस, ठीक है। और क्या मैंने एड्रेस भी गलत लिखा ऊपर, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ। हाँ एड्रेस गलत लिखा था, ठीक है। तो मैं नीचे आया, एक एक करके मैं सब कुछ चेक करता हूँ। सबसे पहली चीज़ थी नेम, ठीक है। यहाँ पर ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, ठीक है, पहली चीज़ ये। वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें क्या होगी, क्या होगी, वैल्यू इज इक्वल टू नेम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नेम, ये नेम है तो वैल्यू उसकी नेम हो जाएगी, इसमें नेम इज इक्वल टू नेम है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें करनी है, वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर ईमेल हो जाएगी क्योंकि नेम ईमेल है। सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज। क्या मैं यहाँ पर करूँ, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, ठीक है। और इसके बाद फ़ोन के लिए भी मैं यही चीज़ करता हूँ, ठीक है। ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, इसको फ़ोन कर देता हूँ। ऊपर मैंने वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल कर दिया है। इसके बाद पिन कोड, अभी मैं ये बताऊंगा आपको सिटी और स्टेट क्यों नहीं फिल कर रहा हूँ, मैं पिन कोड क्यों फिल कर रहा हूँ पहले वो भी बताऊंगा अभी, क्योंकि मैं सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली फिल करने वाला हूँ, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू पिन कोड आ गया, ठीक है। क्या कोई एरर है एप्लीकेशन में, रिलोड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, कुछ कुछ लिखा मैंने यहाँ पर, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों यार, ईमेल में कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। नेम इज इक्वल टू ईमेल है, ईमेल में मैं टाइप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल मैंने किया, मैं टाइप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ईमेल में, इफ ई डॉट टारगेट डॉट नेम इज इक्वल टू, अरे मैंने क्या कर दिया यार, तो टारगेट डॉट नेम इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर, ना कि ये सब चीज़ें, यहाँ पर नेम आएगा यार, यहाँ पर तो नेम ही आएगा ना, ई डॉट टारगेट डॉट नेम होता है, ठीक है। अब देखते हैं मैं टाइप कर पाऊँगा ज़रूर से, यहाँ भी टाइप कर पा रहा हूँ मैं, इसको बंद करता हूँ, यहाँ भी टाइप कर पा रहा हूँ, क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ये सब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एरर आ रहा है तो दिक्कत है यार। डिफ़ॉल्ट वैल्यू और वैल्यू प्रॉप्स इंस्टेड ऑफ सेटिंग चिल्ड्रेन ऑन, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू लिखनी होगी, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू लिखनी होगी, वैल्यू इज इक्वल टू एड्रेस, ठीक है। और ये ऐसे कर देते हैं, ठीक है। रिलोड करता हूँ, अब तो नहीं आ रहा ना एरर, नहीं आ रहा। और यहाँ पर मैं ईमेल भी डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ ईमेल डाल देता हूँ, कुछ नंबर डाल देता हूँ, कुछ पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है। ये पिन कोड डाल दिया मैंने, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, ये पिन कोड डाल दिया। और पिन कोड डालने के बाद सिटी और स्टेट भी अगर मैं डाल दूँ तो मेरा ये जो है डिसेबल्ड, यहाँ पर ये हो जाना चाहिए, फॉल्स हो जाना चाहिए डिसेबल, ठीक है। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, अभी जल्दी से ऊपर जाकर एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ और यूज स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करके, यूज स्टेट स्निपेट, और इसका नाम मैं रखता हूँ डिसेबल्ड, ठीक है। और डिसेबल्ड की वैल्यू रखता हूँ ट्रू, क्योंकि इनिशियली डिसेबल्ड रहेगा बटन हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जब ये सारे मैंने चेक कर लिए तब मैं एक चीज़ चेक करूँगा, मैं यहाँ पर कहूँगा इफ़ नेम, नेम में भी कुछ है और उसी के साथ साथ आपका नेम डॉट लेंथ इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपका, मैं एक काम करता हूँ, इसको इनिशियली अनडिफाइंड रहने देता हूँ, ठीक है, इसको मैं अनडिफाइंड रहने देता हूँ इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम भी डिफाइंड है, ईमेल भी डिफाइंड है, फ़ोन भी डिफाइंड है, एड्रेस भी डिफाइंड है और पिन कोड भी डिफाइंड है, अगर तो सेट डिसेबल्ड फॉल्स। ये क्या हो रहा है, सेट डिसेबल्ड क्यों नहीं है यहाँ पर डिसेबल्ड, अच्छा डबल डी लगा दिया मैंने, अब आ जाएगा सेट डिसेबल्ड फॉल्स, ठीक है। देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, एरर नहीं आना चाहिए यार। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ पर एक एरर आ गया, ये कह रहा है कि यार तुमने अनडिफाइंड से डिफाइंड कर दी वैल्यू, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसको नल कर देता हूँ, इन सबको, सबको नल कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद रिलोड करूँगा,
रिलोड किया तो ये एरर आ रहा है, वैल्यू प्रॉप ऑन इनपुट शुड नॉट बी नल। ओके कंसीडर यूजिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके तो एक काम करते हैं यार, इस नल को ना मैं कंट्रोल जेड करके एम्प्टी स्ट्रिंग ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो इवैल्यूएट होती है यस में या ट्रू में। इफ एम्प्टी स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट हेलो, ठीक है, कुछ इस तरह से। और मैं ये करूँगा ऐसे तो ये अलर्ट हेलो नहीं हुआ कुछ भी, अगर मैं डी एफ करूँगा तो हो गया, ठीक है। तो बढ़िया यार, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये चीज़ मैंने चेक कर ली। देखो भाई चेक करना ज़रूरी है, ठीक है, इससे इससे क्या एरर आए चेक कर लो, ठीक है। सेट डिसेबल फॉल्स कर दिया मैंने। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ को फिल्ड कर दूँगा अगर, तो यहाँ पर फिर मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ यार, क्या कोई एरर आ गया? डिसेबल्ड इज इक्वल टू ओके, तो मुझे डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, तो ये देखो सेट डिसेबल फॉल्स हो गया। अगर मैं किसी भी एक चीज़ को हटा देता हूँ, स्टेट और तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया था, मान लो मैंने पिन कोड हटा दिया, ठीक है, तब भी ये डिसेबल्ड नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? इसको रिलोड करता हूँ और देखता हूँ। चलो ठीक है, डिसेबल्ड हो गया, ये मैंने भर दिया, ये मैंने भर दिया, ये मैंने भर दिया, ये मैंने भरा, ये मैंने भरा, ये मैंने भरा। लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूँ, अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, मैं इसमें एक else लगाऊँगा ऊपर, मैं कहूँगा किसी ने लिख के backspace कर दी वैल्यू, else set disabled true, ठीक है, तो ये कर दूँगा मैं, ठीक है। अब हो जाएगा ये देखो, ठीक। अब अगर यहाँ पर मैं पिन कोड डालता हूँ, पिन कोड फिर मैं हटाता हूँ, तो ये क्यों हुआ? ये चीज़ तो काम करी नहीं यार। अगर नेम भी ट्रू है, ईमेल भी ट्रू है, फ़ोन भी ट्रू है, एड्रेस भी ट्रू है और पिन कोड भी ट्रू है, तो सेट डिसेबल्ड इसने फॉल्स कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया इसने, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी यार। तो अभी पिन कोड में अगर मैं कुछ भी डालता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब मैं पिन कोड के अंदर मैंने डी डाला, ठीक है, फिर से डी डाला, मान लो मैंने, तो मैं काम करता हूँ यार, इन सब की लेंथ को एटलीस्ट 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर, मैं कुछ इस तरह से लगाऊँगा और मैं कहूँगा इन सब की जो लेंथ है, डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये सही है। अब आपको कम से कम 3 कैरेक्टर यहाँ पर चाहिए, वरना आप परेशानी में आ जाएंगे। 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, 4 मैंने किया, उसके बाद भी क्यों नहीं हुआ सेट डिसेबल्ड? 5 कर रहा हूँ तो हो जा रहा है, 3 2 5, इसकी लेंथ 5 है तब ये ट्रू हो जा रहा है। तो ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, फोन एड्रेस पिन कोड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3। तो मैं एक चीज़ करना चाहूँगा यार, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना चाहूँगा पिन कोड को, नेम को और ईमेल को। यार मैं देखना चाहता हूँ ये चल गया रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिलोड करता हूँ, 1 2, सबसे पहले इन सबको भर देता हूँ, ठीक है, इनको भर देता हूँ, इनकी वैल्यूज़ को भर देता हूँ, इन सब की वैल्यूज़ को भर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ही देखना चाहता हूँ कि अगर मैंने 3 कैरेक्टर लगा दिए, 4 कैरेक्टर मैंने लगा दिए, तो अब देखो यहाँ पर एक और कैरेक्टर लगाया, 4 कैरेक्टर मैंने लगाए, तब ये आ गया, तब ये डी 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 डी, ओके। बट मैंने तो यहाँ पर डी 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 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ यार ये? तो यार यहाँ पर ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो सेट पिन कोड जब रन हो रहा है तब वो इमिडिएटली पिन कोड की वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पर कुछ गिवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ना रहें, तब तक ये अलाउ ना करे पेमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कर दूंगा, और एनीवे मैं ट्रांजैक्शन टोकन लेते वक्त सारी चीज़ें चेक करूंगा, सब कुछ वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं होगा वैलिड तो एनीवे मैं पे करने नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पिन कोड डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3 और ये सारी चीज़ें, ये कंसोल लॉग ही हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर और भी वैलिडेशन कर सकता हूँ और इससे बेटर वैलिडेशन कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं वैलिडेशन को स्किप करूँगा। और मैं यहाँ पर एक बार डिटेल्स भर दी जाती हैं जब, तब मैं इसको अलाउ कर दूंगा, ये बटन मेरा इनेबल हो जाएगा। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैरी बाई हैरी एट द रेट ऑफ codewithhari.com दिल्ली पराठे वाली गली, दिल्ली फेमस, ठीक है, फ़ोन नंबर 455, ये लिख दिया, पिन कोड 11000, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमारा जो पेमेंट लिंक है ये इनेबल हो गया। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से 0 कर देता हूँ और इसके बाद एक स्पेस देता हूँ, तो ये देखो यहाँ पर ये
डिसेबल हो गया दोबारा से, ठीक है, तो पिन कोड यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। और एनीवे अगर मैं मान लो नहीं भी डालता हूँ पिन कोड और मैं ट्रांजैक्शन टोकन लेने की कोशिश करूँगा, पे पर क्लिक करूँगा, तब यहाँ पर मुझे एक नोटिफिकेशन दिखा दिया जाए कि भाई ये वाली जो आपकी डिटेल है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं ये चीज़ इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ इंश्योर करना मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, अच्छा इस प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये चीज़ सेट टाइम आउट के अंदर डाल दूँगा और मैं यहाँ पर 100 मिलीसेकंड बात करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं ये भी कर देता हूँ तब भी मेरा काम हो जाना चाहिए, आपको दिखाता हूँ मैं। तो यार एनीवे मैं यहाँ पर चेक करूँगा अपने बैकएंड में कोई भी चीज़ अगर इनमें से इनवैलिड हुई तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आ जाऊँगा अपने इस login.js को सेव करूँगा। अच्छा एक चीज़ और थी, वो ये थी कि जो _app.js के अंदर मैंने ये जो सेट की करा हुआ है ये मुझे इफ़ टोकन के बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लॉग्ड इन नहीं हूँ, टोकन नहीं है मेरे पास अगर, तब मेरे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा मैं और फिर आप लोग को बताऊंगा मैंने क्यों किया। तो देखो यार, मान लो मेरे पास टोकन नहीं है, मैं लॉगआउट करता हूँ एक मिनट, आप लोग को दिखाता हूँ। मान लो मैंने लॉगआउट किया, मैं रिलोड करूँगा, ये देखो नैव बार ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मुझे इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैंने नैव बार के रेंडर होने की शर्त ये डाली है कि की मौजूद है, तो की सेट की करना पड़ेगा इवन अगर हमारे पास टोकन नहीं है तब भी। तो अब देखो रेंडर हो गया नैव बार, अब मैं यहाँ पर लॉग इन भी कर सकता हूँ, साइन इन हो गया। अरे ये कैसा मजाक है, 123 तो था पासवर्ड हमारा, अरे यार ये तो अच्छा मजाक हो गया यार, 123 पासवर्ड था हमारा। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ऐसा क्यों बोल रहा है ये, ओके ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स इसलिए बोला कि मैंने JWT चेंज कर दिया, ठीक है। तो JWT सीक्रेट चेंज कर दिया, तो JWT सीक्रेट हमें चेंज नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से साइन अप करेंगे और यहाँ पर इस बार harry1@codewithharry करेंगे और 1231 हमारा पासवर्ड रहेगा। साइन अप कर दिया मैंने, ये क्या हुआ, साइन अप क्यों नहीं कर पा रहा मैं, ये कह रहा है कि undefined/api/signup, ये कैसे हुआ, localhost:3000/undefined/api/signup, ये कहाँ पर हुआ, signup.js में हुआ होगा ज़रूरी है, signup.js में undefined कहाँ पर दिखा रहा है ये, क्या ये API है, API support नहीं, कहाँ गया मेरा signup.js, कहाँ है undefined:process.m.host/api/signup undefined दिखा रहा है इसको, process.m.host is undefined। ओके तो ये जो होस्ट है मेरा इसको मुझे नेक्स्ट पब्लिक करना पड़ेगा, समझे, नेक्स्ट पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर जहाँ जहाँ होस्ट है वहाँ नेक्स्ट पब्लिक होस्ट करना पड़ेगा मुझे, और लॉगिन में भी मुझे नेक्स्ट पब्लिक करना पड़ेगा होस्ट को, नेक्स्ट पब्लिक होस्ट, ये तो मैंने नेक्स्ट पब्लिक होस्ट कर दिया ऑलरेडी, तो ये दिक्कत क्यों आ रही थी फिर। हाँ तो मेरे फॉर्म में ऑलरेडी नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है, तो ये क्या दिक्कत आ रही है, signup.js इंटरनल सर्वर एरर, कहाँ पर एरर, डुप्लीकेट की, ओके। तो मैं एक काम करूँगा harry2 के नाम से बनाऊँगा और हमारा पासवर्ड होगा 1232, हाँ ठीक है, और अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लॉगिन कर सकते हैं हम harry@codewithharry1232, सॉरी मैंने यहाँ पर किस अकाउंट से किया था, harry2 से किया था, सक्सेसफुली लॉग इन, ठीक है। तो लॉग इन करके भी अब हमारा काम बन रहा है। बाय द वे हम चेकआउट पेज पे थे, इधर उधर नहीं भटके तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन और पिन कोड डालूंगा और उसके बाद सिटी और स्टेट पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करूँगा, एक सिटी और पिन कोड को रिप्लेस करूँगा, इसकी पोजीशन रिप्लेस करूँगा, ठीक है, जहाँ सिटी वहाँ पिन कोड, जहाँ पिन कोड वहाँ सिटी, और उसका रीज़न बताता हूँ। पहले मैं चाहूँगा कि यूज़र पिन कोड डाले उसके बाद ही सिटी डाले, ठीक है। तो ये करने के बाद कहाँ गया मेरा checkout.js, checkout.js के अंदर मैं क्या करूँगा कि जहाँ मेरा पिन कोड है वहाँ सिटी हो जाए और जहाँ सिटी है वहाँ पिन कोड हो जाए, पिन कोड ये भी नहीं नीचे कहीं, हाँ ठीक है। तो ये जो div है मेरा, ये जो लेबल और इनपुट है यहाँ का, कंट्रोल एक्स करूँगा और जहाँ पर मेरा सिटी है, जहाँ पर मेरा सिटी है जो कि ऊपर होगा कहीं ना कहीं, सिटी, फोन सिटी, उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा पिन कोड को, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये लेबल और ये डाल दूंगा और ये जो चीज़ है ये मैं कट करूँगा यहाँ पर और वहाँ पर डाल दूंगा जहाँ से मैंने ये उठाया था। आई होप मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ ब्रेक नहीं किया, हाँ ठीक है। तो यूज़र ये फिल करेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, पिन कोड डालेगा और स्टेट और सिटी उसकी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगे। तो मैं स्टेट और सिटी को यहाँ पर
एडिटेबल बनाना भी नहीं चाहता मैं इनको चाहता हूँ कि ये एडिटेबल रहे ही ना, स्टेट और हमारे एक और चीज़ क्या थी, सिटी, हाँ इन दोनों को मैं एडिटेबल बनाना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि इनकी वैल्यू इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर वैल्यू इज़ इक्वल टू करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैल्यू तो हम फिल कर ही देंगे बाद में, इनकी वैल्यू इज़ इक्वल टू स्टेट कर देता हूँ उसको, और यहाँ पर वैल्यू इज़ इक्वल टू कर देता हूँ, वैल्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पर कर देता हूँ सिटी, और यहाँ पर कर देता हूँ रीड ओनली, ठीक है, और रीड ओनली इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, कुछ इस तरह से। और अब यहाँ पर मुझे सिटी और स्टेट के लिए बनाने हैं स्टेट वेरिएबल्स, तो वो भी कर लेता हूँ, सिटी यू स्टेट स्निपेट सिटी सेट सिटी इज इक्वल टू ब्लैंक, और सिटी के साथ साथ हमें यहाँ पर लाना है स्टेट, ठीक है, और सेट स्टेट, ये स्टेट वाली स्टेट नहीं है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश दिल्ली मध्य प्रदेश ही वाली स्टेट है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, इसको भी एडिट नहीं कर सकता, ठीक है, इस इन दोनों को मैं एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिन कोड में डालूंगा, ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होने चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है काम। तो बढ़िया यार, अभी तक सब कुछ बढ़िया है। तो मुझे अगला कदम जो उठाना है वो ये उठाना है कि सबसे पहले तो मुझे पिन कोड से स्टेट और सिटी पॉपुलेट करना है, ये मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए इस चीज़ को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं कर दूँगा ये चीज़ कि कोई भी पिन कोड डाले तो स्टेट और सिटी भी उसकी उसको मिल जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये करना है कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, पेमेंट करते वक्त अगर इनमें से कोई भी चीज़ इनवैलिड है तो एक एरर यहाँ पर देखने को मिले यूज़र को, ठीक है, तो ये भी चीज़ मैं कर दूँगा, ठीक है, एरर वैलिडेशन। अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ऑडिट और जेएस के अंदर दो और फील्ड्स ऐड करना चाहूँगा। एक तो मैं ऐड करना चाहूँगा, ये मैं दिखाता हूँ आपको किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ईमेल के साथ साथ मैं ऑर्डर आईडी यहाँ पर डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ऑर्डर का ट्रैक रखूँ, ठीक है, कि इस ऑर्डर की आईडी क्या है। और एक और चीज़ मैं रखना चाहूँगा वो है पेटीएम का डंप, ठीक है, जो भी मुझे पेटीएम पेमेंट इन्फॉर्मेशन देगा तो मैं पेमेंट इन्फो कह दूंगा इसको, और जो भी पेटीएम मुझे पेमेंट इन्फो देगा वही मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तो टाइप मैं इसको स्ट्रिंग रखूँगा, रिक्वायर्ड को भी ट्रू रखूँगा, ठीक है, और रिक्वायर्ड को ट्रू नहीं रखूँगा सॉरी, क्योंकि जब तक मुझे मिलेगी नहीं ये चीज़ मैं इसमें क्या करूँगा, डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसको मैं, लेट अस से एक ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट पेमेंट इन्फो को, और बाद में मैं पेमेंट इन्फो को ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो ये चीज़ मैं कर दूंगा। तो ये करने के बाद मैं क्या करूंगा कि आ जाऊंगा यहाँ पर चेकआउट डॉट जेएस में, और इस वीडियो में मैं सिर्फ चेकआउट फंक्शनैलिटी को जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उस पर फोकस करूँगा। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी तक सारे काम कर लिए हैं, बस मुझे वैलिडेशन डालना है, ये जो वैलिडेशन है ये जो सिटी और स्टेट यहाँ पर हमें डालना है, और एक जो वैलिडेशन करना है इस डेटा का कि यार कोई भी कुछ भी डाल के ऑर्डर ना डाल दे, ये हम लोग करेंगे आने वाले किसी वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यार एक बार डिटेल्स फिल करने के बाद हम पे पर क्लिक करते हैं, तब होना क्या चाहिए, एक ऑर्डर इनिशिएट होना चाहिए प्री ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, यहाँ पर जो हम दे रहे हैं प्री ट्रांजैक्शन को जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसके अंदर मुझे कुछ और चीज़ें भी डालनी है, डेटा के अंदर सारी चीज़ें डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पर ईमेल डाल दिया, ईमेल डाला था मैंने, अब मैं ईमेल नहीं डालूंगा, ईमेल मेरा जो स्टेट वाला ईमेल है वो डालूंगा। इसी के साथ साथ मैं नेम डालूंगा, नेम के साथ साथ मैं एड्रेस भी डालूंगा, एड्रेस, और उसी के साथ साथ मैं पिन कोड डालूंगा, और पिन कोड के साथ साथ और क्या डालूँ मैं, पिन कोड के साथ साथ फ़ोन नंबर भी डालूंगा। तो कुल कितनी फील्ड्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5, क्या 5 फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 फील्ड्स हैं, तो ये 5 फील्ड्स भी मुझे यहाँ पर देनी है। अब मैं क्या करूँगा, प्री ट्रांजैक्शन में मैं मोंगूस से कनेक्ट करके एक ऑर्डर बना दूंगा, यहाँ पर एक ऑर्डर जनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनिशिएट एन ऑर्डर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑर्डर आईडी, इस ऑर्डर आईडी के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर को इनिशिएट कर दो, ठीक है, ये मैं ऑर्डर इनिशिएट करूंगा, और ये ऑर्डर मैं इनिशिएट करूंगा, कैसे करूंगा मैं ये ऑर्डर इनिशिएट, प्री ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने डाला ये चेकआउट। अब मैं क्या करूँगा, साइन अप डॉट जेएस के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर देखूँगा किस तरह से मोंगूस मिडलवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो जिस तरह से मैंने ये यूज़ किया उसी तरह मैं प्री ट्रांजैक्शन यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर यूज़र ना इम्पोर्ट करके ऑर्डर को इम्पोर्ट करूँगा,
ऑर्डर यहाँ पर लिखूँगा और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल ठीक दिख रही हैं मुझे। और यहाँ पर मैं हैंडलर इज़ इक्वल टू एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, हैंडलर इज़ इक्वल टू, मैं बिल्कुल ऐसे ही कर दूंगा यार, मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ रखूँगा यहाँ पर, बिल्कुल भी चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्ट डीबी हैंडलर करूँगा, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करंट डीबी हैंडलर करूँगा, ठीक है, जिस तरह से मैं पहले कर रहा था। तो अब मैं यहाँ पर ऑर्डर मॉडल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई होप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट ऑर्डर इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नया ऑर्डर इनिशिएट करूँगा। अब ऑर्डर को क्या क्या चाहिए ये मैं देखता हूँ। ऑर्डर को सबसे पहली चीज़ चाहिए ईमेल, ठीक है, ईमेल इसको मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल के बाद ईमेल मिल जाएगा इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट, अरे डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ इसको क्या चाहिए, ऑर्डर आई डी, ऑर्डर आई डी भी इसको मिल जाएगी, ऑर्डर आई डी होगी मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओ आई डी, ठीक है। एक और चीज़ इसको क्या चाहिए, इसको प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स चाहिए इस फॉर्मेट में, ठीक है, प्रोडक्ट आई डी चाहिए, क्वान्टिटी चाहिए। लेकिन मैं प्रोडक्ट्स को अभी फिल नहीं करूँगा, मैं प्रोडक्ट्स का फॉर्मेट भी चेंज करूँगा और इनको बाद में फिल करूँगा, अभी मैं एड्रेस को फिल करता हूँ। एड्रेस यहाँ पर लिखता हूँ और उसी के साथ साथ अमाउंट लिखता हूँ, और स्टेटस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट लिखता हूँ, अमाउंट यहाँ पर लिखा मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सब टोटल, हाँ सब टोटल, कुछ इस तरह से सेव करूँगा इस चीज़ को और एक नया ऑर्डर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, अवेट ऑर्डर डॉट सेव, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने करी। अब मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डालूँ, मान लो मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पर, फ़ोन नंबर में ये डाल दिया, पिन कोड में डाल दिया, अब मैं पेमेंट पर क्लिक करता हूँ, पेमेंट इनिशिएट करता हूँ, तो क्या इसने ऑर्डर डाला या नहीं डाला, क्या ऑर्डर इनिशिएट करते वक्त इसने ऑर्डर डाला डेटाबेस में या नहीं डाला, ये तो MongoDB मैं जब यूज़ करूँगा MongoDB कॉम्पस तभी पता चलेगा। तो मैं जल्दी से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोड्स फिर यूट्यूब, और इसके बाद मैं आऊँगा प्रोडक्ट्स में, सॉरी प्रोडक्ट्स में नहीं आऊँगा यार, ऑर्डर्स में आऊँगा, और ये आ गया ऑर्डर्स, और एक यहाँ पर देखो ऑर्डर इनिशिएट हो गया, पेमेंट इन्फो खाली है, ठीक है, एड्रेस दिया हुआ है, स्टेटस पेंडिंग, अमाउंट 1, बढ़िया यार बढ़िया। प्रोडक्ट्स के अंदर एक एरे आया है लेकिन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ नहीं है क्योंकि मैंने डाला ही नहीं था कुछ, ठीक है। तो मुझे ये प्रोडक्ट्स एरे भी पॉपुलेट करना है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट्स एरे को पॉपुलेट करने का इंतजाम मैं बना लेता हूँ। प्रोडक्ट्स एरे को पॉपुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो डालूँगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जिस तरह से मैंने अपने कार्ट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, मैं उसी तरह से प्रोडक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को मैं एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्वांटिटी जो मैंने जिस तरह से ऐसे लिखा हुआ है मैं ये हटा दूंगा, प्रोडक्ट्स को एक एरे नहीं, प्रोडक्ट्स को एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, टाइप ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, और रिक्वायर्ड ट्रू होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट आई गेस मैं भेज रहा हूँ यहाँ पर, भेज रहा हूँ क्या, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग भेज रहा हूँ कुछ ना कुछ, कार्ट भेज रहा हूँ पूरी अपनी, ठीक है। तो कार्ट में भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट में यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट है, ये आई गेस एक स्ट्रिंग बन के जा रही है, कार्ट एक स्ट्रिंग बन के जा रही है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर देखनी है। कार्ट एक ऑब्जेक्ट है लेकिन क्या ये स्ट्रिंग बन के मुझे मिलेगी यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कार्ट में, ये चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, एक और ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता हूँ इसको कैंसिल करके, रिलोड करके। तो यहाँ पर मैं 2222 लिखता हूँ, यहाँ पर ये ईमेल डाल देता हूँ, एड्रेस 123 लिखता हूँ, फ़ोन नंबर 456 लिखता हूँ, पिन कोड 789 लिखता हूँ, ठीक है, और 78999 लिखता हूँ। क्या कोई चीज़ मैंने कम छोड़ दी, हाँ मैंने यार कई चीज़ें कम छोड़ दी आई गेस, हाँ अब ठीक है। पे करूँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा कि क्या मुझे यहाँ पर एक और ऑर्डर मिला, और यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे क्या मिला, एरे मिला 0 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो क्वांटिटी 1 ऑब्जेक्ट आई डी ए, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिला 6242D92096, तो ये यहाँ पर ऐसा मुझे क्यों दिख रहा है। तो यार लगता है मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा यार अपना सर्वर, ताकि ये चेंज जो है इफ़ेक्ट ले ले, क्योंकि मैंने चेंज किया है अपने मॉडल को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से आऊँगा यहाँ पर, दोबारा से रीलोड करूँगा और दोबारा से डालूँगा 5, और यहाँ पर मैं एक ईमेल डालूँगा, और यहाँ पर एड्रेस डालूँगा, फ़ोन नंबर में डालूँगा,
और यहाँ पर पिन कोड डालूंगा, पे पर क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा सीधे अपने मोंगो डीबी में, रिफ्रेश मारूंगा और अब देखता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट्स में क्या आया। प्रोडक्ट्स में हायर अब आ गया आइटम कोड, फिर क्वांटिटी आ गया, आइटम कोड एक ऑब्जेक्ट है, आइटम कोड ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। आइटम कोड नेम वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट और यहाँ पर नेम साइज वेरियंट, ये चीज़ आ गई, ठीक है, बढ़िया यार बढ़िया। तो प्रोडक्ट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसमें ये सारे आइटम्स हैं। अब मैं एक चीज़ और करूँगा कि एक और ऑर्डर डालूँगा, मैं अपनी कार्ट को चेंज करूँगा, ठीक है, इसमें क्वांटिटी वगैरह चेंज करूँगा और क्वांटिटी वगैरह चेंज करने के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगा अपनी कार्ट में। लेटस से मैं अपनी टी शर्ट्स पेज पर आता हूँ, ये ऐड टू कार्ट करता हूँ, एक दूसरे कलर का ऐड टू कार्ट करता हूँ, इसकी क्वांटिटी 2-3 और बढ़ा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ कार्ट से, येलो कलर की एक ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है। और अब चेकआउट करता हूँ कुछ डिटेल्स डालकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पेमेंट लिंक, जब पेमेंट इनिशिएट करूँगा उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा, तो एक एरर आ गया, ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल टाइटल रीडिंग टाइटल प्रोडक्ट डॉट टाइटल। ओके, क्या है प्रोडक्ट डॉट टाइटल, यहाँ पर यार एक एरर आ गया, ये एरर कहाँ पर आया है मैं ये देख रहा हूँ, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, मैं देखता हूँ मेरे मोंगो डीबी के अंदर ये डेटा आया कि नहीं आया, क्योंकि ट्रांजैक्शन टोकन तो जनरेट हो गया। तो मैं मोंगो डीबी कॉम्पस को खोलूँगा, कनेक्ट करूँगा कोर्सवेयर यूट्यूब ऑर्डर्स और लास्ट वाला डॉक्यूमेंट देखूँगा कि मेरे प्रोडक्ट्स में आ गए हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स की नहीं। हाँ यार, मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आप देख सकते हो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे आ गए हैं, ठीक है। तो बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है। ये देखो, इनका स्लग है, ये इसका स्लग है और ये नेम है, ये साइज़ है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है और ये ऑर्डर टोटल है 3493 ऑर्डर टोटल है, ठीक है। तो यार बढ़िया, ये काम तो हमने बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें करना क्या है कि ये मैं ये एरर देख रहा हूँ यार, ये क्यों आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग टाइटल वेयर द कोड एक्सेल। तो यार ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरी जो request.img है यहाँ पर मैंने ऐसे लिखी हुई है, तो मैं जब डेटा फिक्स कर दूंगा तो ये चीज़ फिक्स हो जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जब हमने रिक्वेस्ट डाली अपने प्री ट्रांजैक्शन को, तब हमें कुछ चेक्स लगाने की ज़रूरत है। पहले तो हमें एक इनिशिएट ऑर्डर करने की ज़रूरत है, फिर हमें ये चेक करना है, चेक इफ द कार्ट इज टेम्पर्ड। हो सकता है किसी ने लोकल स्टोरेज में जाकर कार्ट चेंज कर दी, तो हो सकता है कि वो आपको टैम्परिंग करके प्राइस को ज़ीरो करके ऑर्डर डाल दे आपकी साइट पर, तो ये चीज़ आपको चेक करता है। एक और चीज़ जो आप लोग को चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो है कि क्या आपके आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चेक इफ द कार्ट आइटम्स आर आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ जो आप चेक करोगे वो है पोस्ट ट्रांजैक्शन में जाकर। देखो क्या होता है कि एक बार ये प्री ट्रांजैक्शन चेक्स, ये अभी हमारे पेंडिंग है, मैं यहाँ पर इसका स्टेटस लिख देता हूँ पेंडिंग, ये अभी हमें करना है काम, ठीक है, ये पेंडिंग है, ठीक है, इसको हम करेंगे बाद में आने वाले वीडियोस में। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ गलत होती है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई नहीं चलेगा ये सब, हम नहीं देंगे ट्रांजैक्शन टोकन, ठीक है, और हम ऑर्डर भी नहीं डालेंगे एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर इनिशिएट करेंगे बाद में, पहले ये सब चीज़ें चेक करेंगे, हम ऑर्डर इनिशिएट ही नहीं करेंगे जब तक ये सारी चीज़ें हम चेक ना कर लें, ठीक है। और इसके बाद एक और चेक जो मैं भूल गया, चेक इफ द डिटेल्स आर वैलिड, समझ लो आप लोग कि जो ईमेल है, जो एड्रेस है, किसी ने ऐसा तो नहीं कि कुछ भी एड्रेस डाल दिया तो यार ऑर्डर तो मिल जाएगा, हमको पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन हम फुलफ़िल कैसे करेंगे ऑर्डर, तो हमें चाहिए नहीं ऐसा ऑर्डर जिसमें डिटेल्स बेकार हो, हम यहीं पर एरर दे देंगे यूज़र को। कभी कभी जानबूझकर नहीं, कभी कभी गलती से भी एरर डल जाता है, ठीक है, गलती से किसी ने अपना पिन गलत डाल दिया, किसी ने अपना फ़ोन नंबर 9 डिजिट डाल दिए, तो वो सब हमारी साइट चेक करेगी, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, तो ये तीनों चीज़ें पेंडिंग है अभी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, जब ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तभी हम ऑर्डर को इनिशिएट करेंगे। एक बार ऑर्डर इनिशिएट हो गया फिर हम जाएंगे पोस्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अब पोस्ट ट्रांजैक्शन में पहले तो मैं कुछ इस तरह से कर रहा था, रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, अब मैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने कि अपडेट स्टेटस इनटू ऑर्डर्स टेबल, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये मोंगूज और ये इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला काम पता है मैं क्या करूँगा, पहला काम करूँगा वैलिडेट पेटीएम चेकसम। अगर आप लोग को याद हो तो पेटीएम एक चेकसम देता है,
उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो पूरा डेटा पेटीएम ने भेजा है उसके साथ वो उस डेटा का एक चेकसम भेजता है, तो हम अपनी मर्चेंट की का इस्तेमाल करके ये चेक कर सकते हैं कि जो डेटा पेटीएम ने हमें भेजा है वो वैलिड है कि नहीं। तो उस चेकसम के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो डेटा जो कि पूरा पेटीएम ने भेजा है वो वैलिड है कि नहीं, यानी कि वो पेटीएम ने ही भेजा है ना, कहीं किसी ने ऐसा तो नहीं कोई भी ऑर्डर आईडी डाल के हमको पेमेंट सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन डाल दी और फिर हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि हम चेकसम यहाँ पर वैलिडेट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम यहीं पर वापस कर देंगे, यूज़र को एरर थ्रो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ पेंडिंग है अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पेंडिंग में डालता हूँ। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर करना चाहूँगा वो है, मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जिस तरह से पहले कर रहा था वैसे करूँगा और इसको भी कॉपी करूँगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो मैं, ये जो कॉन्स्ट हैंडलर है इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो ऑर्डर है मेरा उसको मैं अपडेट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लेट ऑर्डर इज इक्वल टू लिखूँगा ऑर्डर डॉट फाइंड वन और ऑर्डर आईडी जो है हमारी उसको मैच करूँगा। ठीक है, तो जो हमारी ऑर्डर आईडी है, जो हमारी ऑर्डर आईडी है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऑर्डर आईडी यहाँ पर मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पेटीएम JS चेकआउट, ये आ गया लिंक। ठीक है, JS चेकआउट वाला पेज खोलूँगा पेटीएम का और यहाँ पर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी कुछ इस तरह से पेटीएम आपको देता है, एक स्ट्रिंग के तौर पे देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये वाली जो ऑर्डर आईडी है ये वाला ऑर्डर फैच करो। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा ऑर्डर को, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, तो मैं मोंगूस का ये फंक्शन देख रहा हूँ, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जिसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करूँगा। ठीक है, और फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन क्या क्या लेता है, सबसे पहले तो आईडी लेता है और उसके बाद क्या चीज़ आप अपडेट करना चाहते हैं वो लेता है। ठीक है, तो ये आईडी तो मैंने यहाँ पर, मैं आईडी तो डाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इसको फाइंड वन करूँगा, फिर यहाँ पर लिखूँगा ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, यहाँ पर अवेट करूँगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जो आईडी होगी वो होगी मेरी ऑर्डर डॉट आईडी। और इसके बाद मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इसका जो स्टेटस है उसको अपडेट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, इसके स्टेटस को चेंज करना चाहता हूँ मैं, पेमेंट इन्फो नहीं, स्टेटस कहाँ गया मेरा, स्टेटस को पेंडिंग ना करके मैं सक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर पेड कर देता हूँ। ठीक है, स्टेटस को पेड कर दूँगा। अब ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं, ये चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपनी साइट पर आऊँगा और वो जो एक रुपये वाला आइटम था वो कहाँ गया, टी शर्ट, ये शायद मैंने एक रुपये का कर दिया था कुछ ना कुछ, कौन सी वाली करी थी मैंने, रेड कलर की एक रुपये की कर दी थी, बाय नाउ करूँगा, यहाँ पर डिटेल्स फिल करूँगा और पे पर क्लिक करूँगा। अब मैं एक्चुअल में इसको पेड कर दूँगा ऑर्डर को। ठीक है, तो मैं खोल लेता हूँ अपना पेटीएम और इसको मैं पे करूँगा इस ऑर्डर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्कैन एनी QR पे जाऊँगा और इसको मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखना क्या होगा, पे कर दिया मैंने। ठीक है, पे कर दिया, हो गया पे। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये चीज़ मैंने करी, क्या मेरा ऑर्डर अपडेट हुआ, क्या मेरा ऑर्डर अपडेट हुआ, क्या ये पेड हुआ, मेरा ऑर्डर्स में जाऊंगा, रिफ़्रेश करूंगा, क्या ये पेड हुआ, नहीं ये पेड नहीं हुआ, सारे पेंडिंग पे ही पड़े हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम, ऐसा क्यों हुआ यार, क्या यहाँ पर कोई एरर आया, नहीं कोई एरर भी नहीं आया, API, मैंने यहाँ पर अपडेट किया, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट किया, ऑर्डर डॉट आईडी किया, ओके, तो मुझे ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी करना था, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं एक रुपये और अपना वेस्ट करूँगा। ठीक है, और एक रुपये का ऑर्डर और डालूँगा और चेक करता रहूँगा इस चीज़ को जब तक ये मुझे ना दे दे सक्सेस। ठीक है, तो मैं फिर से पे करूँगा एक रुपया। ठीक है, तो मैं पे करता हूँ दोबारा। ठीक है, स्कैन कर लिया है, QR पे भी कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक है, अब इसको रिलोड करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरा ऑर्डर पेड हुआ, नहीं मेरा ऑर्डर पेड नहीं हुआ। ठीक है, कौन सा आइटम है यहाँ पर, वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट है बस, आइटम कोड वेयर द कोड प्रीमियम टी शर्ट।
ठीक है। और यहाँ पर ये यार पेड क्यों नहीं हुआ, ना ही इसने कुछ एरर दिया मुझे। ठीक है, तो ऑर्डर बाय आईडी एंड अपडेट क्वेरिंग फिल्टरिंग बाय गिवन आईडी। यार मोंगूज में एक फाइंड वन एंड अपडेट भी होता है, ठीक है, तो फाइंड वन एंड अपडेट मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा और शायद ये चीज़ काम करे मेरे लिए। तो फाइंड वन एंड अपडेट फिल्टर और अपडेट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं डालूँगा, फाइंड वन एंड अपडेट। ठीक है, तो पहला मेरा रहेगा फिल्टर और दूसरा रहेगा मेरा अपडेट। तो मेरा ये फिल्टर है और मेरा अपडेट ये है स्टेटस पेज। ठीक है, तो मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा और यार ये काम कर जाए यार, क्योंकि मैं यार क्या बताऊँ, काम कर जाना यार प्लीज़। ठीक है, एक रुपया और, सही एक रुपया और फेंकता हूँ इसके ऊपर मैं। ठीक है, तो मैं इसको रिलोड करूँगा। रिलोड करने के बाद नेम इज़ हैरी। एक्चुअली क्या है ना कि मोंगूज के कुछ फंक्शंस प्रॉमिसेस रिटर्न नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। मैं बस यहाँ पर ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैं करेक्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं स्कैन करूँगा क्यूआर कोड और हाँ यार ट्रायल एंड एरर करना पड़ रहा है इस वजह से। एक रुपया पे कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि पेड, हाँ स्टेटस पेड, देख रहे हो स्टेटस पेड आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और चेक करेंगे, एक रुपये और वेस्ट करेंगे और चेक ये करेंगे कि क्या अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ कि यार मैंने यहाँ पर बैक किया, ठीक है, रिलोड किया इसको, जैसे ही मैंने ऑर्डर इनिशिएट किया, ठीक है, और मैंने पेड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिस इज़ माई ऑर्डर, ताकि हम इस ऑर्डर को पहचान लें। ठीक है, दिस इज़ माई ऑर्डर कैपिटल में लिखा है मैंने। पे पर क्लिक किया, ऑर्डर इनिशिएट हुआ, रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर देखो दिस इज़ माई ऑर्डर है, स्टेटस पेंडिंग है। ठीक है, स्टेटस इसका पेंडिंग है। अब मैं क्या करूँगा, पे कर दूँगा, ठीक है, इसको पेड कर दूँगा ऑर्डर को। और ऑर्डर को मैं जैसे ही पेड करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ऑर्डर को मैं जैसे ही पेड करूँगा वैसे ही आप लोगों को दिखाता हूँ, पे कर दिया मैंने, पे हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर पेड आना चाहिए स्टेटस। रिफ्रेश कर रहा हूँ, नीचे देखते रहना, स्टेटस पेड आ गया, देख रहे हो स्टेटस पेड आ गया, दिस इज माई ऑर्डर। बढ़िया, अब एक काम करूँगा यहाँ पर, बस सिंपल सा। ये करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, रिडायरेक्ट करूँगा यूज़र को टू द ऑर्डर कन्फर्मेशन पेज। ठीक है, तो जहाँ मैं ये यूज़ कर रहा था, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, डेस्टिनेशन स्ट्रिंग स्टेटस कोड नंबर। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा स्लैश। ठीक है, देखता हूँ चीज काम करती है क्या। एक रुपया और, एक रुपया और, कितने रुपए हो गए, वैसे मेरे अकाउंट में जा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पता नहीं फीस होती है इसकी कि नहीं, शायद नहीं होती है, एक लिमिट तक फीस नहीं होती है, तो मैं कितनी बार भी एक रुपया भेज सकता हूँ। एक रुपया और हो गया। ठीक है, अरे मैंने गलत जगह पर यार इसको रीडायरेक्ट कर दिया, मुझे ऑर्डर पेज पर रीडायरेक्ट करना था, सॉरी अबाउट दैट। चेकआउट करेंगे, एक रुपया और, ठीक है, मेरा कोई टेंशन नहीं है एज लॉन्ग एज, वैसे मैं अपने एक रुपया बचा भी सकता था, अगर कुछ और होता तो मैं कोई और हिसाब बनाता, बट मेरे हिसाब से इट्स टोटली फाइन, हम एक रुपया पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बार और सही, और यहाँ पर देखो इस तरह से आएगा ऑर्डर आईडी, ये योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, और यहाँ पर सारे आइटम्स आपके आ जाएंगे। तो ये ऑर्डर पेज भी कस्टमाइज़ करना है, और इस ऑर्डर पेज को मैं कैसे कस्टमाइज़ करूँगा, एक तो ऑर्डर आईडी, एक ऑर्डर को यूनिकली आइडेंटिफाई करूँगा बाय ऑर्डर आईडी, और उसी के साथ साथ एक तो ऑर्डर आईडी रहेगी और एक यूज़र आईडी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत कर दी कि मुझे पेमेंट इन्फो भी डालनी, डम करनी चाहिए थी यार, जो पेटीएम मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज रहा है वो मुझे डम करनी चाहिए थी। तो मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर जो मेरा पेमेंट इन्फो है उसको मैं करूँगा जेसन डॉट जेसन, और ऊपर जेसन वेब टोकन जो इम्पोर्ट हुआ है उसको मैं हटाऊँगा अभी, स्ट्रिंगिफाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, कुछ इस तरह से जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। एक रुपये और, ठीक है, हो जाए, बढ़िया। माई अकाउंट्स नहीं, चेकआउट, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर एड्रेस, पे करेंगे और दोबारा से आ जाते हैं, और यहाँ पर दोबारा से कर देते हैं इस चीज़ को, और यहाँ पर एक रुपया पे कर दिया मैंने, हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर पेमेंट डंप आया, जो पेटीएम का डंप है वो आया, हाँ आया।
पेमेंट इन्फो में आप देखो बैंक वॉलेट, बैंक नेम वॉलेट, बैंक ट्रांजेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ पर करनी है, और वो क्या करनी है, वो ये करनी है कि पे मुझे तभी करना है जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस जो है वो पेड हो। दिखाता हूँ आप लोगों को मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस है, इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस जो है वो इक्वल्स टू ये है, क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेस। अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ तब हमें क्या करना है, तब हमें ये करना है, वरना हमें ये नहीं करना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल अगर हुआ तब हमें ये करना है। तो हम एक काम और करेंगे, जो पेंडिंग है इसको भी चेक करेंगे यार, इसको चेक करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर एल्स इफ के अंदर हम ये कंडीशन डालेंगे कि ये अगर पेंडिंग हुआ, अगर जो ट्रांजैक्शन स्टेटस है वो पेंडिंग हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे कि अपडेट तो कर देंगे ऑर्डर को, लेकिन ये देखेंगे कि पेंडिंग तो नहीं है कहीं, स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग कर देंगे। और हमारा जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे इनिशिएटेड, ठीक है। एक बार इनिशिएट करो, फिर उसके बाद पेंडिंग वो हो सकता है, एक बार इनिशिएट किया गया ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से डाल दिया इसको, लेट ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ये, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेव करूँगा मैं, और एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेट ऑर्डर इज इक्वल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मुझे इसकी रिटर्न वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली अवेट करूँगा इस चीज़ को। और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बढ़िया, ठीक है। तो अगर कभी भी जो हमारा पेमेंट स्टेटस है वो पेंडिंग हो गया, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, अगर कोई भी स्टेटस पेंडिंग है तो हम कस्टमर को या तो कॉल करके पूछ सकते हैं कि यार कहीं आपका जो पेमेंट था वो ऐसा तो नहीं है कि आपके पैसे कट गए और आपका ऑर्डर इनिशिएट नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हमें बताओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इफ़ बनाया एल्स इफ के अंदर, अगर स्टेटस पेंडिंग है तो ये कर दिया, और हमने यूज़र को रिडायरेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि फ्यूचर में क्या करेंगे कि जो ऑर्डर है उसको दो चीज़ों से आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो ऑर्डर आईडी से, मैं सिर्फ ऑर्डर आईडी से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी भी ले रहा हूँ, ऑर्डर आईडी के साथ साथ ट्रांजैक्शन आईडी भी मैं लूँगा, इन दोनों से आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है, ताकि कोई भी रैंडम वैल्यू करके ऑर्डर किसी का भी ट्रैक ना कर सके। या फिर मैं काम कर सकता हूँ, इनिशियली मैं सिर्फ ऑर्डर आईडी भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपका ऑर्डर का ट्रैकिंग स्टेटस और आपने ऑर्डर किस तरह से प्लेस किया उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगी। सो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रही होंगी चीज़ें कैसे कर रहे हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा कि यार देखो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, और मैंने प्रोजेक्ट को बड़ा किया ही इसीलिए क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि यार हमें एक प्रोडक्शन लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए, हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें एक्चुअल में कुछ होता हुआ दिखे। जब हम प्रोडक्शन में डालते हैं किसी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट को तो कैसे डालते हैं, तो यार कोर्ट्स वेयर इज़ अबाउट दैट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा है इस पॉइंट पर, तो यार देखो यार बोरिंग लगेगा, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिस जो कि एक्चुअल वैल्यू डिलीवर करे, तो उसमें बोरिंग पार्ट्स भी होते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आप लोगों को टैकल करने पड़ते हैं। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगर नेक्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।